हो गया। आज हम किसी दोस्त के पास जा रहे हैं उसको मिलने के लिए, तो अभी जा रहे हैं। रास्ते में ही आपको सरप्राइज देंगे कि वह दोस्त कौन सा है, ठीक है। जब वहाँ पहुँच जाएंगे आपके साथ उसके साथ वीडियो वगैरह बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा दोस्त है। ये मैं हूँ और ये उमर भाई है। इसको भी मैंने ये हमने सनामा क्रॉस कर लिया, शेख उमिल सनामे वाले क्रॉस कर लिया कि हम जा रहे हैं सुल्तान कॉलोनी की तरफ। सुल्तान कॉलोनी यहाँ से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर आगे है, ठीक है। यहाँ से आगे हमारे ये सुल्तान कॉलोनी का इलाका है, टिपे वगैरह आ गया। ये चारों तरफ का व्यू देखिए, पहुँचने वाले हैं। हमने जिस सुल्तान कॉलोनी क्रॉस कर लिया। जिस लड़के से हमने मिलना है ना, जिसके पास हमने पहले जाना है, उसको मैंने अभी कॉल की है। सोया हुआ था, अभी उठा है। मैंने कहा यार ये वो मसला है हमारे, उस लड़के से मिलवाओ जिसके पास हम जाना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, उससे मिलवाते हैं, उसका नंबर वगैरह। दोस्तों हम चौक सर्वर शेद में पहुँच गए हैं, ठीक है। अब आगे लड़के को कॉल करते हैं जिसको हमने साथ लेना है। जब वो दूसरा लड़का भी आएगा तो उसका भी मेरे ख्याल में महमूद कोट वालों को पता होगा वो कौन है। ये चौक है, पहुंच गए हैं यहाँ पे। हम शाहिद भाई के पास आए हैं, काशी भाई के पास आए हैं। इनसे कहते हैं कि मेरे मुद्दे को हम मिलवाओ, देखते हम काशी भाई उनको हमें वहाँ लेके चलते हैं उनके पास, या उन्हीं को यहाँ बस आपको क्या बताऊँगा। जिस हिसाब से मेरा आज साल तो क्यों नहीं बता रहा था, पी एच पी साहब के पास पेश हुआ माता जी, वहाँ कह रहे हैं ये जाति का देखिए ये कर। डी एस पी साहब ने दो बातें की हैं, डी एस पी साहब ने बात सुन ले, उसी को चढ़ गया। वो जो सब चढ़े बात कर रहा था, तो बदमाश है, तो बदमाशियाँ कर रहा था। मैंने पहले भी समझाया था आपको कि ये वारंट कब्जा, जैसे तरीके से वारंट कब्जा लिया, ऐसे वारंट कब्जा ले गया। ये चीज़ मान तो देना दिखा मुझे, वारंट कब्जा ले गया, ऐसे नहीं आना तो मैं तेरे को पर्चा दे दूंगा। डी एस पी साहब ने, डी एस पी साहब को तो तुम है आज वहीं की उन्होंने साथ दी कि उन्होंने हमारी फसल उजाड़ दी, उन्होंने ट्यूबल तोड़ दिया। मौके पर करूँ बदलिया पुलिस उन्होंने कब्जा लिया वारंट के तहत, बाकी आपको मैं ना बिट्टी का ना मेरा वास्ते।